एनपीएस कर्मचारी संघ ने की प्रदर्शनकारी कर्मियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। नोहराधार में संघ की स्थानीय ब्लॉक यूनिट ने निकाला कैंडल मार्च। प्रदर्शनकारी कर्मियों के तबादले करने के शिक्षा विभाग व सरकार के फैसले को बताया दमनकारी। एनपीएस कर्मचारी संघ की नौराधार इकाई ने गत 3 मार्च को प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए पुरानी पेंशन बहाल करने संबंधी प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों पर मामले दर्ज करने, वाटर कैनन का इस्तेमाल होने तथा कर्मचारी नेताओं के तबादले किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एनपीएस कर्मचारी संघ की नौराधार यूनिट के अध्यक्ष जितेंद्र चौहान तथा सुरेश हजारी व अनिता आदि पदाधिकारियों के नेतृत्व में बुधवार देर सायं मुख्य बाजार में 2 दर्जन से अधिक स्थानीय कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश सरकार से मांग की कि 3 मार्च के प्रदर्शन के लिए जिन शिक्षकों अथवा कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें तुरंत वापस लिया जाए और प्रदर्शनकारी शिक्षकों व अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादले भी रद्द किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे शिक्षकों के तबादले से स्कूल खाली हो रहे हैं और ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का भारी नुकसान होगा। गौरतलब है कि गत 3 मार्च को शिमला में 2 दशक पूर्व बंद हुई ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर सिरमौर के कुछ शिक्षकों द्वारा लगाया गया जो यह मामा माने जा नारा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। जानकारी के अनुसार यह बहुचर्चित नारा लगाने वाले मंडल संगड़ा के साथ लगते शिलाई के हालात स्कूल के कुछ शिक्षकों के तबादले हो चुके हैं और उन्हें रिलीव भी किया जा चुका है। इसके अलावा जमा दो विद्यालय नौराधार में कार्यरत एनपीएस कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष का भी तबादला हो चुका है और स्थानीय इकाई ने सरकार और विभाग से ऐसे सभी तबादले रद्द करने की मांग की है। Thank you.